Excuse me, I'll text Cecilia. अब ना कनेक्ट कर लो, ये उन कर दिया किस चीज का कोड है, मतलब ना साथ जीएस। हाँ क्या बना है? वही प्रोग्राम्स? वही प्रोग्राम था, लेकिन उसमें मसला आ रहा तुम्हारा क्या मसला आ रहा है? अब वाले मसले आ रहे हैं। अपा कूल और तेरा कूल सेम है, मैंने बना के फिर कॉपी कर लिया ना। हाँ, हाँ क्या मसला हुआ? इधर चल रहा उधर नहीं चलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे भाई, कंप्यूटर मैंने तो कॉपी तो नहीं किया, मैंने देखा है। एक कोई ना कोई एक चीज मसला कर रही होगी। ठीक है, सही है, मैं देख लूंगा। नहीं अभी देखे ना, अभी मसला मुझे पता ना वो क्या कहते हैं। फिर आपने वो बताया था स्ट्रिंग वाला, हाँ, एक अल्फाबेट वो एक नंबर में आना चाहिए, एक स्ट्रिंग में आना या चाहिए। स्मॉल केस या अपर केस, नहीं नहीं उसके बाद वाला वो जो एक मतलब जो मैंने घर से दिया था उनमें मसला आ रहा है। चलो मैं देखता हूँ पहले। हाँ, बिल्कुल स्ट्रिंग की डेट है सर, मतलब वो नंबर यू या अल्फाबेट दोनों आया नंबर क्या। तो क्योंकि नंबर तो नंबर ही रहेंगे ना, नंबर तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। अल्फाबेट नहीं, क्यों लेंगे, क्यों लेंगे? सही है। ओके, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2। यार मैंने बहुत थोड़े से सवाल दिए थे यार, एक 16 तो करवा दिए थे मैंने, 16 पीछे वाले का हो गया, दो आपको आइडिया आना दो तीन करें, 6 में से या 16 में से। प्रैक्टिस प्लीज, मत बोलो तो प्रैक्टिस किया ना बोलो ना जी। कर कर आए हो या नहीं? आगे बढ़ेंगे आज? नहीं सर आगे कैसे हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्यों, तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे यार? तुम तो जावा प्रोग्रामर हो। सर, जावा में फाइल एप्लीकेशन सीखी थी, वेब डिजाइनिंग भी। हाँ ठीक है, थोड़ी ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स तो पढ़ी है ना, इंटर और फर्स्ट मैट्रिक की तो मैथ्स पढ़ कर आए हो ना भाई? हाँ चलो सर फेल हो अच्छा, कौन कौन से सवाल थे? 16। यार, वो पहले पहले आगे बढ़े 15 को मिल गया, मजा नहीं आया चलो मैं 1 मिनट में अभी आपका वो फोल्डर इंस्टॉल कर लेता। तो सर। स्क्रीन क्यों बैठती है आपने मैं नहीं दिखा सकता ना। अब ले ले, अब आ जाओ, समझे? अच्छा ये ये मसला मसला, अब बैठ जाओ। है। डाउनलोड्स डाउनलोड्स गए, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, और ये रहा फोल्डर, ये फाइल है। हाँ ओके, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, चलाकर देख लेते हैं। हाँ रन हो रही है ना उधर? सर, सही, नहीं चला के क्यों देखेंगे सर, नहीं कोई मसला नहीं है। नहीं चला के ये देखेंगे। देखो एंटर। अबे भाई, तुमने तो क्या क्या बना दिया। अरे एक ही चीज में सब कुछ मारा हुआ है, तो गलत है प्रोग्रामर ये, इसे गलत बनाया है। ना, इसी प्रोग्राम चलो ठीक है, एंटर को एनी नंबर, मैंने F12 भी खोल दिया। बनाया ओके, मैंने दिया 1 इधर, नहीं इधर। एंटर एनी नंबर, मैंने दिया 2, और एंटर एनी नंबर 4। योर नेम, AHMED, ये आपको क्या क्या पूछ रहा है? बोल रहा हूँ, बस एक ही में सब कुछ डाला हुआ है, मैंने अबे अलग अलग भाई, थोड़ी ऐसे नहीं कभी भी नहीं बनाई। करते। वो मुझे ये पता है, देखो, वो मुझे इनवैलिड इज नॉट डिफाइंड। अलग अलग अच्छा ठीक है, चलो हम देखते हैं इसने क्या करा है। इधर देखो इसने क्या करा है सारे। ऐसा सपोज भी दिखा है आपको। क्या दिखा, क्या दिखा, क्या करा है। क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन मुझे है वो मैथमेटिकल वाला प्लस निकाला। हाँ थोड़ा कर दिया और अब दिख रहा है, और बड़ा, थोड़ा और बस बस। ठीक है। ओके, वाह, अच्छा वो तो मैं ऐसे ही कोई वर्ड ठीक ना है। लिखा किस लाइन नंबर भाई याद है?
वो कैलकुलेटर वाला था ना, ये रहा ना, ये रहा, ये नहीं चल मतलब रहा। इसके ऊपर का सारा कोड कमेंट कर देते हैं। हाँ कर दो, सही है, कर कमेंट कर दी। दो, कर दो। सही है, कैलकुलेटर वाला यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है। इसके नीचे वाला कमेंट कर दें, इस तरह कोड नहीं लिखते जिस तरह तुमने लिखा। पता अलग अलग फाइल बनाते हैं, लेकिन मैं ना सुस्ती हो रही थी। ओके चलो ठीक है। इसने क्या किया भाई, एक यूजर इनपुट लिया प्रॉम्प्ट एनी नंबर 1, सही है, और ले लिया 2। उसके बाद बोल दिया भाई एंटर ऑपरेटर 3, सही है, यूजर इनपुट 3 जिसमें आएगा ऑपरेटर, ऑपरेटर सही स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ये है प्लस, हाँ ठीक है, तो तुमने क्या किया, वार रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर यूजर इनपुट 1 प्लस यूजर इनपुट 2, ठीक है, नंबर का एन कैपिटल है, वही ये इश्यू था। क्योंकि ये क्या मसला है। आप खुद देखो ना, वो सजेशन में क्या दे रहा है, मैंने बोला NUM, वो खुद बता रहे नंबर, बस ये इश्यू था। अच्छा नीचे एक और मसला था, और हाँ, वो तो मैंने अपना खुद क्रिएट किया और बोलो किस भाई, लाइन में। मेरा कोड मेरी मर्जी में जैसे भी बताओ। हाँ तो ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ, अपनी बड़ी चलाओगे ना। अच्छा लाइन नंबर बताओ तो, नहीं पता ना सर, वो बताओ ना कोड बता दो, रेड रेड कर दिया मैंने। शनाख्त याद है, सर वो वाला था ना अपना, वो स्ट्रिंग वाला। डेटा टाइप वाला हाँ सबसे डेटा लास्ट टाइप में होगा। नहीं ये नहीं है। वो तो हाँ ये रहा, इसमें क्या इशू है। इसमें देखे ना, आपने ये बोला है कि एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, एक में ओके स्ट्रिंग में, दूसरे में नंबर। तो मैं यहाँ पे नंबर, वो आपने वो जो बताया था ना ऊपर कैलकुलेटर में नंबर वगैरह का डालने का, तो मैं यहाँ वो डालने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो। मतलब तुम प्रॉम्प्ट से जब नंबर डाल रहे हो हाँ तो उसको आज क्या ले रहा है, वो स्ट्रिंग ना ले, नंबर ही ले। नंबर ही ले, हाँ ये करना है। सही है, ठीक है, देख लेते हैं, बंद करता हूँ इसको। सही है। अच्छा सवाल में किस किस को मसला हुआ, आपके हो गए सारे, तुम्हारे हो गए ना सारे, और तुम्हारे भी हो गए, कितने नहीं हुए, 5 तो दिए थे, क्यों नहीं आ रहे समझ में इतने, मैंने सारे तो करवा दिए थे जो लॉजिक्स तो वाले गूगल थे। ट्रांसलेशन कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा बाकी सबके 18, 18 क्या है, चूज द करेक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर टू डिस्प्ले ट्रू 10 इज नॉट इक्वल टू 8, 10 इज नॉट इक्वल टू 8, इसमें क्या है, ये मैंने किया हुआ है ना, इसमें क्या है, और ट्रू भी जाओ, फॉल्स फॉल्स भी जाओ, ट्रू डालना है, उल्टा करना है थोड़ा, नॉट तो आप ये सवाल इक्वल टू करवाए। यार। इसमें पहली बात तो ये कि, दूसरी बात कि पहले हम चेक करेंगे वैल्यू, उसके बाद हम जाएंगे डेटा टाइप पर, ठीक है, जब वैल्यू ही सेम नहीं है तो आने ही फॉल्स है, कंफ्यूज करने के, कंफ्यूज करने के लिए। सही है, यही बोल रहा हूँ। देखो जब भी डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू की बात होगी ना, सबसे पहले आप देखोगे वैल्यू क्या आ रही है, जब वही बराबर नहीं है पहले ही फॉल्स होगा, ट्रिपल पे क्यों जाएंगे, बस ये था, मैं क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना था, बस इस कंडीशन को रेंडर कराना था और कंसोल करना था, देखना था क्या आ रहा है। तो दो वैल्यू लिख दी 10 और 8। 10 डबल इक्वल टू 8 क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स आएगा आएगा, क्योंकि फॉल्स आएगा, वैल्यू बराबर नहीं है, बस यही ये करना था करना था, बस। बस अरे मैंने कंफ्यूज लेकिन उसको 10 की जगह पे किया हुआ ना, तो मैं कह तो रहा 9 ही नंबर हूँ। लिखा होगा सर। 19 वाला ऑर्डर है, मैं जावा स्क्रिप्ट कोड पढ़ लिया सर, 19 वाला 19 वाला तो खुद हुआ हुआ है, सवाल सॉल्व करके दिया हुआ है। इसमें ये बोला ना, स्विच स्टेटमेंट बता रही 20 वाला हो गया, हां बैटरी वाला हो गया। आप बोला ना ये मुझे क्या ये है, पढ़ो जरा सवाल पढ़ो, तीन इफ कंडीशन से करना है, क्या करना है पढ़ो। तो आपने मना किया था ना मुझे कंडीशन। हाँ इफ एल्स से करना था, कर हाँ लिया, पढ़ो ना क्या है, इफ कर एल्स से लिया, करना है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन अगर 18 18 है तो है तो हम यंग वरना ओल्ड इनफ। ये तो हो गया, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, हो हो गया गया ये ना, तो वाला।
बस क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, सारे रिवाइज वाले प्रोग्राम मैंने दिए थे। इससे ऊपर वाला इससे ऊपर वाला क्या है, ये तो सॉल्व हुआ मैं पहले से। 18, 18 मैंने अभी बताया है। 17 क्या है, टेक्स अ करेक्टर। ये इसमें आपको चेक कराना था कि एक यूजर इनपुट लेना है, वो एक कोई भी एक करेक्टर डालेगा। मैंने ए डाल दिया, बी डाल दिया, ए डाल दिया या बी डाल दिया। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए आई ए आई आई अगर उन्हें वो है मैच करता है तो वॉवेल है, वरना नहीं। क्या है, बच्चों वाला सवाल है यार, समझ नहीं आ रहा था। 16 मैंने करा दिया था, सारे सवाल तो हो गए। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, जहाँ तक बढ़ने बढ़े एक बहुत आसान सवाल थे, सारे रिवाइज दो वाले थे। चार पाँच आपको छः टाइम सात देना आठ पड़ेगा आगे जाने के लिए, सबको मैं तो टाइम दे रहा था कह रहा ना हूँ, सबको कह रहा हूँ। किसका, भाई, इसका भी बता दे। सिक्सटीन वो तो सर ने कराया था ना किसी का ना करवाया था, जो ठीक है। तो भाई जितना आगे जाते जाएंगे ना, मामला थोड़े से हार्ड होते रहेंगे, तो नहीं, कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो दिमाग खुलता रहेगा, अगर प्रोग्रामिंग वाली लाइफ में जाना है। सर आप किस सन में गए थे, हम अभी के सहारे वाला नहीं बोलते हाँ पहले आपने वो वाला सवाल नहीं बताया डेटा टाइप वाला बता तो दिया था लास्ट क्लास में। सर, वो मैं जहाँ स्ट्रिंग और नंबर प्रॉम्प्ट में ही अगर डालू तो वो स्ट्रिंग रीड ना करे वो नंबर रीड ना, तो ये गलत था। बाद में नंबर ले लो उसको, बाद में ओवरराइट कर दो ना नंबर से। चलो नहीं कर रहा था ना अभी सवाल करते हैं तो एक वो कर लेते हैं। आजकल क्या बैश ट्री और जावास्क्रिप्ट, बुक्स, प्लस प्लस और क्लास नंबर कर रहा है। फाइव, CLASS-5। बाहर माइनस index.html और शिफ्ट है, और यहाँ पे लिख दे क्लास 5, CLASS-5। सेव किया और स्क्रिप्ट का टैग लगाया, /app.shift, सेव, अच्छा ओके। बात ठीक सबको दिख रहा है, सही है। प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, उसमें एक नंबर ले लेते हैं, यही सवाल था। मैंने बिल्कुल मैक्सिमम जूम किया हुआ है। वार यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर एनी नंबर, console.log यूजर इनपुट और उसका डेटा टाइप बता दें। सही होती है अंदर भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। कॉपी पाथ सही है, एंटर एनी नंबर मैंने दिया 2, 2 और स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक। तुम चाह रहे हो जो नंबर आए वो नंबर में आए, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला, मैंने आपको ओवरराइट करना सिखा दिया ना, Yes. सही है। यूजर इनपुट में ही मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, इसी में ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू नंबर और उसको उसमें पास करा दिया यूजर इनपुट, सेव किया। No, वर्क नहीं कर रहा, ये नहीं करेगा तुमसे स्लैश आ रहा सेव किया, फ्री, अब फ्री आ रहा है। तुम्हारा एन छोटा था, मेरा बड़ा है, भाई छोटी छोटी बस ये इश्यू था। आगे बढ़ते हैं, करते हैं ये का
करते नहीं ये क्यों करते रहे, फिर आगे कब पढ़ेंगे? हाँ रहे टाइम पे पढ़ेंगे। टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करो कि प्रोग्राम्स बनाते रहो ताकि आप लोगों की लॉजिक्स खुलें, क्योंकि आगे वाले टॉपिक ना सारे हार्ड हैं, मजीद हार्ड हैं। वो मैंने समझने की कोशिश की, वो डिस्प्ले देता है ना प्रोग्राम, कहते हैं ये अपने कंसोल पे क्या हो, वो डिस्प्ले पे करता है। चले 5-6 वो कॉपी पेस्ट करते हैं, एचटीएमएल से कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या हाँ करना उसके लिए पड़ता थोड़ा टाइम लगेगा, बच्चे ये नहीं हजम कर पा रहे अभी। ठीक है। है चलो आगे बढ़ते हैं, बुक पढ़ाते हैं। में बात करेंगे ना 6 और 7 सिक्स और सेवन क्या? एरे पढ़ेंगे ना आपके। हाँ जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा कब पढ़नी है। एरेज, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरेज ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है ना, अरे नहीं एरे, सही है। अच्छा एरे क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने गूगल पे लिखा अपना नेम, ठीक है, वो मेरे पास, जैसे ही मैंने उसको अपना नेम देके एंटर मारा, सही है, तो वो ये सारा डेटा लेकर आ गया, सारा डेटा गूगल लेकर आया। मैंने इनपुट दिया उसको शहजादा मोहम्मद अहमद, जो भी आप यूजर इनपुट देते हो, और जो हमारे पास कंसोल में आउटपुट आता है ये गूगल ने हमें आउटपुट दिया है। ठीक है, आपके पास जब भी किसी जगह से बहुत सारा डेटा आने वाला होगा ना, ठीक है, वो हमेशा आपके पास एरेज में आएगा। ठीक है, जिस जगह से भी आपके पास बहुत सारा डेटा आने वाला होगा वो हमेशा एरे में आएगा। हमारे पास, हमने अभी तक कितने डेटा टाइप पढ़े हैं? 5, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और एम्प्टी, या कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग, 0, ये भी नल में काउंट होगा। ठीक है, तो एरे में आपके पास हर किस्म का डेटा जा सकता है, यानी कोई भी डेटा टाइप हो, हर हर तरीके का वैल्यू आप एरे में रख सकते हो। ठीक है, एरे का स्ट्रक्चर क्या होता है वो अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद बुक पे जाएंगे। एरेज नजर आ रहे सबको? ठीक है, वार, FRI, एनिमल्स, एआरआर, एक वेरिएबल बनाया मैंने एनिमल्स एआरआर के नाम का, यानी कि एनिमल्स की एरे। ठीक है, अब इसमें मुझे एनिमल्स एरे में चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप एरे जब बनाओगे, पी के बराबर में जो बटन है, पी के बराबर में, ठीक है, होता बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट, ना स्क्वायर ब्रैकेट, बिना कुछ दबाए पी के बराबर वाला बटन दबाओगे तो आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनेंगे, आपके पास एरे में जब डेटा होगा ना हमेशा इसमें आएगा। ठीक है, एरे इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, वाले इस ब्रैकेट के अंदर आएगा जो भी डेटा होगा। जो भी डेटा होगा। अभी सपोज करो मेरे पास 5 एनिमल्स हैं, ठीक है, LION, एक कैट, कॉमा, एक ही कैटेगरी, एक ही फैमिली टाइगर कैटेगरी प्रेजेंट 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 सबको प्रेजेंट करा दिया। सब इधर देखो सारे, मैंने क्या किया, एरे में स्ट्रिंग का टाइप का डेटा डाला है, और हर जो डेटा है उसके बाद एक कॉमा लगा के नेक्स्ट वैल्यू, कॉमा लगा के नेक्स्ट वैल्यू, आए सर अगले भाई साहब नहीं है।
नहीं नहीं और नहीं आया कोई सुबह निकलना है आगे रे अरे भाई जल्दी कर लो यार। तो सलामत की ब्रेड निकल रही है तो रिकॉर्डिंग जा रही है तो जाते शेयर गाने पे कौन है नहीं, नहीं गाने मिले ब्रेक ब्रेक नहीं इसलिए कितना स्पॉट बहुत कर दिया था कर दी थी। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हाँ एरे बनाने के लिए, और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग में एक वैल्यू लिखी विच इज लॉइन, अच्छा इसलिए क्योंकि अब मुझे एरे में नेक्स्ट वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो बराबर में मैंने कॉमा डाला और फिर नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिंग में लिखनी है इसलिए कॉमा लगा के डबल कोटेशन। अगर नंबर में होगी तो देखो इसकी बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल डलेगा अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू एरे में ऐड करनी है तो, कोई भी हो, सब में हो। ठीक है, अब इस एरे को कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एनिमल से आ रहा, सेव किया, उसने मुझे एक एरे बना के दे दिए। एरे में लॉयन, कैट, टाइगर, माउस और काओ। ब्रैकेट जी मैं ब्रैकेट बताता हूँ, ये ब्रैकेट शो कर रहा है ना, वो इस वजह से जब आप एरे को कंसोल कराओगे वो पूरी एरे ला के दे देगा आपको ब्रैकेट के साथ। को हाँ, मेन स्क्रीन पे काम क्यों नहीं कर रहे स्क्रीन मेन स्क्रीन पे अभी नीड नहीं है ना, पे करते हैं अभी उससे रिलेट नहीं, वो नहीं फायदा है, क्यों नहीं, आगे जाके आप इसी पे काम करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल मेन स्क्रीन पे नहीं करोगे बहुत करेंगे करेंगे, मस्त पहले फंक्शनैलिटी आपको चलानी तो आ जाए, टूल समझ में तो आ जाए पहले। हाँ नॉर्मल लगाने के पे कैसे करोगे बजा ब्रैकेट जो पिक्सल हम बोलने का भाई हम करना करना है आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके पास कोड्स तो हैं, आएगा तो ये प्रैक्टिस करने से याद रहेगा, क्या मुझे भी तो याद है, है आप देखते सब देखते तो इतने साल नहीं, सिर्फ 2 साल करीब। वो उससे पहले जो शेयर कहा था वो आईपीएन क्या किया ना ठीक है, अच्छा ये देखते हैं ये 5 क्या है, एरे में कितने आइटम्स हैं, बाय बाय 1 2 3 4 5। एरे की जो आइटम्स है, ये आपको एरे के आइटम्स की लेंथ बता रहे हैं कि भाई 5 आइटम्स हैं, और अगर मैं इस एरे को खोलूं, 0 1 2 3 4, ये जो 0 1 2 3 4 है, आपके पास एरे में जो हर आइटम रखा हुआ होता है ना, उसका एक इंडेक्स वैल्यू होती है, जो इनिशियल इंडेक्स होता है स्टार्ट विथ 0। ठीक है, एरे का जो इंडेक्स होगा ऑलवेज स्टार्ट होगा 0 से, और उसकी जो लेंथ होगी ऑलवेज स्टार्ट विथ 1। सही है, और लेंथ का भी साइकिल होगा क्योंकि 5 ही तो इनकी हैं, 1 2 3 4 5, लेंथ 5 हो गई तो जीरो यस, को मिलाकर 0 को मिलाकर। ठीक है, और अगर इंडेक्स से काउंट करें तो 0 1 2 3 4, 1 से काउंट करें तो 5 लेंथ आ रही है। ठीक है, अब एक नया एरे बनाते हैं, उसमें हम मिक्स डेटा डालते हैं। तो नंबर्स भी होगा, बूलियन भी होगा। ठीक है, ठीक वार मिक्स डेटा इज है इक्वल टू एन एरे, इधर देखो इधर। ठीक है ओके अहमद, और उसके बाद मैंने लिखा 10। जीरो ठीक है, फिर लिखा मैंने कंप्यूटर, फिर लिखा मैंने ट्रू। बोलिए भी आगे नंबर भी आ गया हाँ,
हाँ की दो आ रही है। हाँ जितने मर्जी लगाओ, ठीक है। फिर मैंने लिखा इसके बाद थ्री, और उसके बाद मैंने दिया अली, और उसके बाद मैंने दिया अनडिफाइंड, हर तरह का डेटा ऐड कर दिया। तो वो स्ट्रिंग में आएगा या ऐसे लिखेंगे? स्ट्रिंग में लिखोगे पहली बात तो ये। हाँ स्ट्रिंग ठीक है। अच्छा अब कंसोल करा लेते हैं मिक्स डेटा को। आप मुझे बताओ क्या लेंथ आएगी। में नो, सबके साथ आएगी, सबके साथ आएगी, सात आएगी। आएंगी। ठीक है, आपके पास जावास्क्रिप्ट में एरे की लेंथ निकालने का फॉर्मूला भी है, मेथड है, वो भी हम लिख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग मिक्स डेटा डॉट लेंथ, ये आपको जो है एरे की लेंथ बताएगा। सेव किया। सर अगर आप पहले उसमें ही कंसोल डॉट देखो ना आ तो रहा है, मुझे एरे भी चाहिए था ना, लॉग ये तो रहा है एरे। अगर नहीं, मैंने बोला कि अगर किसी जगह पर आपको अलग से दिखानी हो लेंथ, ये जो आ रहा है ये तो एरे की वजह से आ रहा है कि आपके एरे में वो आइटम्स इतने हैं, और मैंने अलग से अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा। बस लिखने की जरूरत ये है, अगर आपको कोई बोले कि एरे की लेंथ का निकालने का क्या मेथड है, फॉर्मूला नहीं, उसको छोड़ो, आपको लेंथ निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है? डॉट लेंथ। बस एरे डॉट लेंथ, मिक्स डेटा में एरे, आगे आपने डॉट लेंथ लगा दिया, वो आपका एरे के नंबर बता दो। ठीक है, हमारे पास कितने आइटम्स थे? इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। तो जीरो से कहां तक होने चाहिए? छह तक। इसको खोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? हर तरह का डेटा आपके पास एरे में आ सकता है, जब उसका टाइम आएगा तो हम करेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है। सही है, उसका टाइम आएगा। समझ आया? सर मेरी बात तो बिल्कुल एक बार डॉट बोलो भाई, तुम बोलो भाई। क्या वाला ये क्या पूछ रहे हो, वो तो पूछ ही दो। डायरेक्ट डेटा डॉट लेंथ तो डेटा तो नाम ये ये लो, एलेक्स ये ना डेटा बिल्कुल आएगी, 7 आएगा, 7 आ रहा है। रेफरेंस नहीं होगा ना। एरे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यही बताना चाह रहा था, कोई आपसे पूछे एरे की लेंथ निकालने का क्या मेथड है, एरे का नेम डॉट लेंथ। आप क्लियर है ओके सर लेंथ वाले भाई? भाई आप क्लियर है? 7 आ रहे सर, क्यों आ रहा है? मैंने बोला कि आपसे किसी ने पूछा कि भाई सिर्फ एरे की लेंथ निकाल के दे दो, वो लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बट लेंथ चाहिए। आपने बोला एरे का जो नेम है वो डॉट लेंथ, बस, क्योंकि आपने सिर्फ लेंथ मालूम करी है, आपको एरे नहीं चाहिए अभी। हाँ तो सही है, फिर ये भी खोल दो। सही, अब क्लियर है, आगे बढ़े। सेव किया। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर ओके हाँ, भाई एरे इज द लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम्स, ये लिस्ट ऑफ आइटम की लिस्ट है बस। ठीक है, अब सपोज करो मुझे एक्सेस करना है, 0 पे क्या रखा हुआ है? हाँ, कैसे लाऊंगा मैं, ये देखते हैं। इंडेक्स के साथ खेलेंगे। यस, इंडेक्स के साथ खेलेंगे। वार फाइंड इंडेक्स, एक वेरिएबल बनाएगी, एक फाइंड इंडेक्स वेरिएबल बनाएगी। ठीक है, मैंने लिखा जीरो मिक्स डेटा। यस डिफरेंस मतलब पूरी हो गई तो यस, अब आगे बढ़ गए हैं। बना।
एक मार्कशीट बनानी है, मार्कशीट हम तब बनाएंगे, एक हम पहले बन तो जाती है। मैं चाह रहा था आप HTML से डेटा लाना सीख लो, उसके बाद मार्कशीट बनाना। अगर जो फॉर्मेट है मार्केट वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट से आएगी। बनेगा, उसी फॉर्मेट से बनेगा। HTML से डेटा लाना सीख लो, उसके बाद मार्कशीट बनाएंगे। बटन पे क्लिक करना सीख लो, सही है, लेकिन उसके लिए आना चाहिए। हाँ तभी बोलोगे, अगर बहुत सारी लिस्ट चाहिए ना तो ये सीख लो। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ अहमद चाहिए, कैसे मिलेगा? कंसोल जीरो लिख देंगे तो डॉट लॉग मैंने फाइंड इंडेक्स करा, क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा? अगर एमएस को फाइंड देना तो एक जीरो आएगा। मिनट, आप क्या बोल रहे हो? फाइंड इंडेक्स में क्या आएगा? इंडेक्स स्टेट वाला पूरा आ जाएगा, पूरी पूरी आएगी। और आएगी, आप क्या कह रहे हो? पीछे वाले जीरो जीरो आएगा, आएगा, सही है। सेव किया, पूरी आएगी तो सिर्फ सारों का आ जाएगा ना यार। पूरा आ रहा है ना। हम क्या अभी हमने इंडेक्स उसको बताया ही नहीं है। ठीक भाई है, ओके। एरे के लिए अगर हमें इंडेक्स मालूम करना है, ठीक है, मैंने आपको एरे का क्या साइन बताया था? स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने मेरा जो एरे का नाम है उसके बाद मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, और जो इंडेक्स मुझे चाहिए मैंने बोला जीरो। मैं भी तो यही बोलना चाह रहा था सर, आपने मेरे सिंटेक्स रिटर्न नहीं में बताया था फाइल ना। नहीं किया था ना बुक में, तब अब आ रहा है अहमद, मैं भी यही बोल रहा था। एरे में जीरो पे क्या रखा हुआ है? अहमद रखा हुआ है, और अब मैंने जीरो का इंडेक्स लिखा तो क्या आया? अहमद आया। अब वन पे क्या रखा हुआ है? टेन दिल्ली रखा हुआ है। सही से देखो ना, थोड़ा टेन रखा हुआ है। वन वन देखते हैं, वन पे क्या आ रहा है? सेव किया, टेन आ रहा है। अच्छा एरे का अगर आपने एरे में से कोई इंडेक्स निकालना हो तो आप इस तरह निकाल। और सर अगर हम भूल जाए कि हमने क्या एरर दी, क्या एरर लिखा होगा फिर नहीं यार, ऐसा कभी होगा नहीं। देख सकते हैं ना, और ड्राइवर भूल भी जाए तो बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसे ढूंढ तो नहीं सकते ना सबसे जो ये कह रहा है। आगे दिखाओ। अच्छा देखो, अब क्या आएगा? मेरे पास एरे की लेंथ क्या आ रही थी? सेवन। अनडिफाइंड मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन। अनडिफाइंड 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 थोड़ी नहीं है ना, वो डिफाइंड इंडेक्स जो आपने वेरिएबल बनाया है हाँ विदाउट इससे तो मालूम कर सकते हैं। वो अलग चीज है। हाँ उसके लिए सबर करो ना थोड़ा, अगर तुमने कोई चीज देख लिया तो उसके लिए थोड़ा सबर करो। नहीं सही है। अच्छा अभी बताओ, टेन लिखा है, क्या अनडिफाइंड आएगा? आएगा अनडिफाइंड आएगा। और आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं आएगा, कुछ क्या पता सही बोल नहीं रहा है अनडिफाइंड। सेव हूँ, कुछ भी नहीं आएगा ना हुआ क्या किया, वो अनडिफाइंड। डिफाइन नहीं है, वही बात हो गई ना, कुछ नहीं नहीं क्या अनडिफाइन है ना। अनडिफाइन आपकी डेटा टाइप है पूरी। सही है, आएगा ओके। दस के बाद दसवां लिखा ही हाँ अनडिफाइंड अनडिफाइन में 10 कैसे लिखेंगे, अनडिफाइंड में 10 लिख ही नहीं सकते हैं। जब है वो साथ तो फिर 10 कैसे आ गया, 10 में बोले 10 की जगह 7 लिखे प्लेसेस पे सिक्स अनडिफाइंड अभी सिक्स लिखूंगा तो, फाइव लिखूंगा तो। तो पहले वाली जो वेरिएबल तो अभी सही है, इंडेक्स निकालना आ गया सबको। ठीक आएगा है अब थोड़ा बुक पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अभी नहीं अभी मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स पहले खुद दिखाया है, अब देखते हैं बुक वाले क्या कह रहे हैं। सर हाँ तो रिपोर्ट चलो बढ़िया ओके चलो देखो, एक प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने शुरू करते हैं दोबारा से। क्या डेटा मैंने का लिखा हुआ है, फाइंड डेटा के अलावा फाइंड इंडेक्स लिखा हुआ है? एरे कौन सा एरर? एरे मतलब एरे इंडेक्स के साथ कंसोल मुझे बताओ किस तरह करेंगे। में हाँ बिल्कुल उस तरह भी कर सकते हैं। डेटा ये बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा मिक्स डेटा और यहाँ पे लिख दिया जीरो। बिल्कुल अहमद लाएगा। सेव खेल दो किया, एक ही बार अहमद है, और क्या है पर कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप जब काम कर रहे होगे आप बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करोगे।
क्योंकि वो बाद में किसी दूसरी जगह चाहिए हो तो कैसे लोगे, आपने तो उसको किसी जगह सेव कराया ही नहीं था। ठीक है चलो एक सवाल करते हैं। रिकमेंडेड यही है तो एक साथ दोनों चल रहे हैं, एक हाँ साथ दोनों मिले एक साथ दोनों मिला, दो वेरिएबल सेव करा दो, उनको एरे में रख दो, अभी हम वही करने लगे हैं। कॉमा डाल के एक अगर ऊपर कॉमा डाल के एक डाल दोनों मतलब बनाएंगे क्या ना, मतलब अगर जैसे एक अहमद, वैल्यू जीरो है उसमें अहमद है, एक वन पे कुछ और है, अगर जीरो डाल के कॉमा डाल के वन डाले फिर मैं सवाल नहीं समझ रहा। अगर जीरो एक है ना हाँ तो जीरो के बाद आपने यार वो ऊपर हाँ मिला के साथ लिख दो पहले से। हाँ वन डाल देना है क्या, इसको जीरो के बाद वन डाल देना यहाँ पे नीचे तो कंसोल में हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये क्या हाँ हाँ आएगा बताओ, आप खुद ही बताओ। जीरो क्या आएगा, वन डिफाइंड आएगा वन क्यों आया, ऐसा टेन क्यों अहमद क्यों किया हाँ वो इस वजह से, पहली बात तो ये कि आप ऐसा कभी भी करोगे नहीं, वो आपका ऑलवेज एक इंडेक्स रिटर्न करेगा और वो जो लास्ट में होगा वही देगा। थोड़े जुगाड़ बताएगा नहीं तो ये आप वो सवाल कर रहे हो जो कभी भी एलिजिबल नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं करोगे आप। ये जो सवाल किया है ना ये कभी भी नहीं करोगे। ठीक बोलता है है चलो आगे बढ़ते हैं। इस ओके बात ओके ओके नहीं, नेम नेम अंडरस्कोर वन, एक वेरिएबल बना रहा हूं उसमें रखा अहमद। वो खुद ही जीरो दे देगा, हाँ वो जीरो दे देगा खुद ही, हाँ तो क्या करना जो है लास्ट में इंडेक्स होगा ना उसकी वैल्यू आपको लाके दे देगा। ठीक है कॉपी 3, 2 नेम 2 और उसमें रख दिया 3। 3 वेरिएबल बनाए और कुछ भी नहीं करा, क्लियर है? सही है नहीं हाँ 3 वेरिएबल बनाए बस। ओके वार arr इज इक्वल टू एरे। ठीक है अब मैंने लिख दिया पहले नेम 1, एआरआर क्या है वेरिएबल वेरिएबल एक वेरिएबल बनाया है। है सही है, नेम 1 कॉमा नेम 2 कॉमा नेम 3, सही उसी तरह से बस आपने वेरिएबल में डिफाइन किया बस ऊपर रख दिए वेरिए पहले और अंदर जो है वो जो हमारे वेरिएबल नेम तो वो लिख दिए। आपने डायरेक्ट आएगा डाल एरे में? कौन कह रहे नहीं आएगा? ना नहीं एरर नहीं, ए आर आर, कंसोल डॉट लॉग एरे सेव। और लेंथ क्या आएगी? ज्यादा थ्री आएगी, इंडेक्स से एक ज्यादा आएगी, आएगी 3। सही है और अगर इसको खोलें तो इंडेक्स 0 1 2। क्या कह रहे हो? क्लियर? जो लेंथ होती है ऑलवेज स्टार्ट होगी आइटम्स की, जो भी आपकी 1 2 3 ना 1 2 3। सही है आगे बढ़ते हैं। क्या ये? नहीं, ये छोड़ो, ये किसी काम का नहीं, ये जब बहुत आगे जाओगे ना तब काम आएगा, वो भी थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपका ये काम कर देगा। और ये लेंथ आपको खुद भी बताता है कि 3 लेंथ है। ठीक है चलो एक और इसको एक और तरीके से करते हैं। एआरआर अच्छा अब मुझे बताओ क्या होगा, इधर देखो सारे ARR वन 1, ARR 1 में क्या मिलेगा? आएगा अली मिलेगा इज इक्वल टू ASAD। अब क्या होगा? अनडिफाइंड फिर रुक जाना है यार अब गौर से सर देखो, दोबारा देखो, सर मैं पूरी ए आर आर मंगवा रहा हूँ, अहमद पूरी एरे को कंसोल करा रहा हूँ। 1 में क्या मिलेगा? मिलेगा भाई मैं इंडेक्स 1 की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स 1 क्या मिलेगा? इंडेक्स 1 में असद मिलेगा। आप क्या कह रहे हो? और आप असद आएगा, पक्की बात है? असद आएगा सेव किया,
अहमद आएगा बस, असद आएगा, असद आया है। मैं एरे इंडेक्स तो वन की बात कर रहा था। ओ भाई इंडेक्स वन वन वन, इंडेक्स इंडेक्स वन लिख, वन को वैल्यू असाइन कर रहे हैं असद ओ भाई। इंडेक्स वन की वैल्यू ओवरराइट करिए। बिल्कुल क्लियर हुआ सबको? यस सर, क्लियर। दोबारा देखो। असद के नाम से ओवरराइट कर रहे हैं। यस यस, एक वेरिएबल जो था नेम टू वो मैंने इंडेक्स वन पे रखा हुआ है, क्लियर है? और बाद में मैंने बोला ARR वन पे जो भी रखा हुआ है उसको इससे ओवरराइट ओवरराइट कर दो, तो वो अपडेटेड वैल्यू आपको लाके दूंगा। क्लियर? आगे बढ़े। कर रहे हैं। ओके चलो देखो कोई नई चीज देखते हैं। करोगे यार वो। एनिमल्स दे आर आर। अरे अब मैं चाह रहा हूं, एक बात तो बताए, ये एरा होता क्या है? अरे होता क्या है? अरे बता रहा हूं बता रहा हूं, आपके पास, अरे आपके पास एक लिस्ट होती है डेटा की जो आपको डिफाइन करनी होती है। जो शफल डेटा होता है वो सॉल्व करके दे देते हैं, ऐसे ही है सॉल्व सर। करके नहीं दे देती, जैसा डेटा होता है वैसे ही दे देती है, शफल डेटा होता है करेंगे बंदे क्या है टू क्या है तो मैं बता देगी। बता देती। मैंने इस पे लिखा, अपना नाम लिखा, गूगल ने मुझे रिजल्ट ला कर दिया। ये जो रिजल्ट की शक्ल है ना, ये पीछे एरे से आ रही है। आपके पास जब भी किसी किस्म का डेटा आएगा ऑलवेज एरे फॉर्मेट में आएगा। क्या मतलब? इस तरह का डेटा होगा, इधर आपका कोई इंडेक्स होगा, इधर ये होगा, इधर ये होगा, इस तरह आपके पास अपने हिसाब का डेटा होगा जो आप एक्सपेक्ट। हमने तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ना, लेकिन गूगल पे तो आपको ड्रिफ्ट है ना, तो हाँ, यहाँ बाद में पे आप ऐसे करोगे? तो वही लिखेंगे ना, आपने डेटा डाला तो फिर उनको लिंक पर डाल दिया, फिर एंटर लेगी गूगल, बिल्कुल, तो वो आपको उसमें से छान के लेके आ छान रहा के लाकर, लेकिन किस फॉर्मेट में लाके देता है? एरे फॉर्मेट में, एरे फॉर्मेट में। है। ये देखो ना, मेरे पास बहुत सारा आ रहा है, ये जो बहुत सारी लिस्ट है ना, ये आपके पास लिस्ट ऑफ एरेज है। क्लियर? ओके अच्छा, अब मेरे पास ये एनिमल्स की लिस्ट है, ठीक है? मैं चाह रहा हूं कि लास्ट में एक एनिमल ऐड हो जाए। वो उधर ही कर देंगे नहीं, ऐसा नो। कोई मेथड एरे का जो लास्ट में आइटम को ऐड कर दे। अभी तक मैंने नहीं बताया, अगर ऐसा करना हो तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसे करेंगे कर सकते कर सकते हैं वो भी, लेकिन अगर कोई मेथड भी तो है ना, तो मेथड भी तो पढ़ने हैं हमने हैं। आपकी फायदा होगा। फायदा इस वजह से, बाद में कोई आपने इनपुट से डेटा डालना हो कि वो आपके एरे में लास्ट में ऐड हो जाए, वो कैसे करोगे? हाँ वो उठा के समझ पूरा तो नहीं लिखोगे ना आया यार। अब समझ आया? ठीक समझ आया। है, एनिमल्स ए आर आर डॉट पुश, अरे पुश का मेथड आपके पास एरे में लास्ट में डेटा डाल के दे देगा। ठीक है मतलब अभी देखते हैं। ELE गड़बड़ THANT। है सर, ये किसने बनाया ऐसे? बना लूंगा अच्छा, अब एरे की लेंथ क्या होनी चाहिए? अब कुछ एरे की लेंथ क्या होनी चाहिए? तो 6 होनी चाहिए। मैं एक पुश भी तो करवा रहा हूं, एक लास्ट में पुश भी तो करवा रहा हूं। एलिफेंट लास्ट में आना चाहिए मेरे मुताबिक। सेव यार करते हैं और चला के देखते हैं। सर, चाइना में भी तो कोडिंग होती है वो यही है। सर, यही है, लेकिन वो चाइनीज में लिखा हुआ है तो कुछ ही लिखा हुआ है ना या कुछ यही आएगा। लोगों को सेटिस्फाई एलिफेंट लास्ट में आ गया, जबरदस्त। सर। आपके पास आया क्या? चाइनीज डेटा? चाइनीज डेटा आपके पास नहीं, आया? मेरे पास कभी भी नहीं आता है। जो जिस रीजन का होता है ना, उसके पास उसी रीजन का डेटा आता है।
इंटरनेशनल बंदों के गोरों का ही तो काम कर रहे हैं। को नहीं, वो एक अलग ही दुनिया है। हाँ बस सर, चाइनीज तो पुश का मेथड किस किस को समझ में आया? बहुत और लास्ट में जो भी डेटा ऐड करो वो ऐड हो जाएगा। अब मैं लास्ट में दो ऐड करता हूँ। हाँ मुश्किल वो भी करेंगे, एक एक कर लिए। हाँ MIP एरे डॉट पुश का मेथड मैंने यूज करा और उसमें पैरामीटर में मैंने दो दे दिए, दो नाम सेव थोड़ा किया। ओके जितने आइटम्स आपको लास्ट में देने हो एरे के, डॉट पुश के मेथड में डिफाइन करो, वो आपके मेथड को लास्ट में डाल के दे डॉट देगा। पुश डाल के डाल दिया नीचे आपसे डॉट पुश डाल के और आगे कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे तो ये वन लिखेगा फिर डॉट पुश डॉट पुश पूरा डेटा आपका हेल्प नहीं, करेंगे काम आने वाली चीज है। ठीक है, बोलो अब इस वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब क्या आएगा? पांच। बोलो ठीक है, एक दो तीन चार पांच और इसके इंडेक्स के हिसाब से चार इंडेक्स के हिसाब से चार। अब मुझे जो है लास्ट से एक डिलीट करना है। जी डिलीट नहीं, हटा क्यों? देखे जब फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं चाह रहा हूं बटन के क्लिक पे डिलीट हो। अब कीबोर्ड नहीं, वो नहीं करेंगे, ये आप जुगाड़ बता रहे हो, ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, प्रोग्रामिंग में आप क्या जुगाड़ मारोगे भाई? के एनिमल्स ARR डॉट पॉप। गया गो पहले अब एरे में क्या आना चाहिए? में आप वैल्यू डिफाइन करोगे ना आपको कौन सी आप फाइव डाल दो पॉप के पैरामीटर मेथड में आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा? लास्ट से जाकर एक आइटम रिमूव कर देगा, बस। नो, अच्छा तो उसके लिए कुछ और है, वो करेंगे आगे। ये लेकिन अगर कोई पूछे पॉप क्या करता है, एरे से लास्ट आइटम रिमूव कर देता है, बस। अब क्या आना चाहिए एरे में, पहले वो बताओ। चार चार आने चाहिए। और इंडेक्स के साथ काउ नहीं आ रहा काउ नहीं ब्रैकेट में किसका हम है सर गाय माता की आ रही ब्रैकेट में किसका हम है कौन सा हां ब्रैकेट? जी वही तो मैं पूछ रहा था काउ क्या मैंने आपको आगे बोला था जब भी जावास्क्रिप्ट में हम कोई बिल्ट इन फंक्शन लिखेंगे वो ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ, क्या कह रहे थे आप? गाय माता की हाँ, हट गई ना। इसका भी कमेंट करते हैं। अच्छा, अब मुझे जो है एक स्टार्ट में ऐड करना है। क्या अब मुझे जो है, एक मिनट, पहले एनिमल से आर को शो करा देता हूँ। होगा हाँ, अब मुझे डेटा स्टार्ट में ऐड करना है। उसके लिए आपके पास मेथड है डॉट अनशिफ्ट हाँ ये सही लग रहा है ये तो ठीक स्टार्ट में लग रहा ऊपर से पॉप है ओके बाद क्या पता के बाद। नहीं, पॉप के बाद अभी बता रहा हूं ना। अनशिफ्ट एनिमल्स ए पॉप आर यू टू कर द लास्ट लास्ट से जो कोई लास्ट से लास्ट नहीं डेटा होगा एरे का रिमूव करने के लिए। अच्छा वो मान लिया ठीक है, ये पढ़ा है ये एनिमल्स ए आर डॉट अनशिफ्ट, क्या कहता ये आपका जो भी आप इसमें डेटा दोगे एरे के स्टार्ट में जाके ऐड कर देगा। है डेटा किधर देना है ब्रैकेट के अंदर या बाहर अंदर ब्रैकेट के अंदर ही देना है। अच्छा ठीक है, मैंने लिख दिया जेड। तो सेव इतना किया। सही है। यस, एक एक मिनट, मैंने आपको बोला था जावास्क्रिप्ट के जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होंगे आपने जब भी कॉल करने तो राउंड ब्रैकेट लाजमी लगाओगे। क्लियर? और क्योंकि अनशिफ्ट का मेथड आपका कोई डेटा लेता है ऐड करने के लिए एरे के स्टार्ट में, तो आपने लिखा अगर कोई नंबर दोगे, मैंने दे दिया 10, जाके ऐड कर देगा। सेव किया। क्लियर? सही है सर बीच में रखा हो तो इसके अलावा करेंगे ना, करेंगे वो भी। सर इसके अलावा
बुलियन बिल्कुल बुलियन करेगा, वो भी लगा ले। ऑफ मैंने 10 के बाद दे दिया ट्रू, 10 के साथ दे दिया इंडिया। ट्रू, सही है। वो बनेगा मैंने दे दिया यहाँ पर स्टार, ये कह रहे हो ना, हाँ जाके देखते हैं, बिल्कुल ऐड करेगा। टूर में क्यों गया सबसे बात को सर दो दिए ना, आखिर में गए तो यूज करेंगे और टूर में जाने के लिए अनशिफ्ट यूज करेंगे, लास्ट में डिलीट करने के लिए पॉप 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 यूज पॉप करेंगे। शुगर लेने के लिए हाँ शुगर लेते ना अब वही सर करेंगे, और सर बीच वाला अच्छा बीच वाला भी करेंगे ना, सेव किया। अब मुझे स्टार्ट से आइटम रिमूव करना है, है स्टार्ट से इसके अरे बाद आप प्रैक्टिस करना। एनिमल्स ए आर आर डॉट शिफ्ट, जिन्हें शिफ्ट का मेथड क्या करेगा, आपके एरे में स्टार्ट इंडेक्स में जो भी रखा हुआ होगा उसको बस, शिफ्ट का मेथड आपके एरे का स्टार्ट इंडेक्स में जो भी रखा हुआ उसको रिमूव कर देगा। वो अरे करेंगे ना, वो करेंगे, सही है। लॉइन रिमूव हो गया, बस ये इसके डिफाइन करता प्रोग्रामिंग के मेथड है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, बस ये कि यूज सारे हो रहे हैं, ठीक है। अब सिस्टम खोलो और ये सब चलाओ अपने पास। सिस्टम खोला सर मैंने, अब सिस्टम खोलो सारे और ये सारी चीजें चला कर देखो। पक्की बात है, ओके सही है। अब सपोज करो मुझे एरे की कॉपी बनानी है, पहले क्या बनानी है? नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, मेथड से, मेथड से। हाँ को मैंने बोला वार कॉपी ए आर आर इज इक्वल टू एनिमल्स ए आर आर, और कॉपी ए आर आर को कंसोल करा लेते हैं। सही है, एक तो ये कॉपी हो गया, लेके दूसरे वेरिएबल में सेव करा लिया, ठीक है। अभी कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल में एरे रखा है इसमें, देखो क्या किया मैंने, समझ आया? उसके एरर, ठीक है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं, यहां से डेटा चाहिए, जीरो से, इंडेक्स जीरो होता है, कहां तक चाहिए? 1 2 3 तक चाहिए। मैंने लिखा एनिमल सी आर आर डॉट स्लाइस, स्लाइस का मेथड। फंक्शन हाँ है बिल्टन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, एरे का। नो तो नो नो नो, एरे का बिल्टन फंक्शन है स्लाइस। ये क्या करता है, आपको एरे की कॉपी बना के देता है और आपसे मांगता है दो पैरामीटर, पैरामीटर मतलब यहाँ पे जो भी आएगा, एक कहाँ से शुरू करना है। आपने बोला ये वाले भाई, ये वाले नहीं, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बोले ही नहीं, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, वो एरे के लिए, ये एरे थोड़ी है, ये तो जावास्क्रिप्ट का बिल्टन फंक्शन है स्लाइस, ये स्ट्रिंग पे भी काम करेगा, ठीक है। मैंने बोला जीरो से शुरू करो, ठीक है, और दूसरा मैं कुछ नहीं दे रहा इसको, सेव करके चला के देखते हैं क्या करता है। करेंगे सारे आएंगे, सेव किया, सारे आ रहे। जीरो जीरो ने का कुछ काम नहीं किया मतलब कहाँ से शुरू करो, ठीक है। अपने अब मैं इसको देता हूं 1 मिनट, अभी दूसरे भी नहीं जा रहे अभी, ठीक है। मैंने इसको दे दिया 1 1, ठीक है, सेव किया, स्टार्ट कैट, सही है, हो कैट से स्टार्ट हुआ, मतलब पहला पैरामीटर क्या कर रहा है, कहां से शुरू करना है, सही है पूछ रहे हो जी। अच्छा हाँ बिल्कुल पता है यार उसको, कंप्यूटर को क्यों नहीं पता होगा, बता बता रहे तो कर रहे हैं ना, ठीक है। और मैंने बोला जीरो से शुरू करो और 2 तक ले आओ,
अब कहां तक लाना चाहिए? जीरो, वन, टू। ठीक है सर, सेफ। ओके, क्यों? मैं बताता हूँ। एक मिस हो गया सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं हुआ है। क्यों मैं हुआ है, मैं बताता हूँ। सिर्फ बोले वो कंप्यूटर को दिए नहीं यार, ऐसा तो अभी तक कोई नहीं आया। वो ये तो चैटबॉट की बात कर रहे हो ना आप, तो चैटबॉट की बात कर रहे हो। हाँ वो एक अलग दुनिया है। नहीं बताता हूँ, चैटबॉट एक अलग दुनिया है। नहीं नहीं यार, इतना भी नहीं है अब यार, पाकिस्तान में नहीं है। हाँ जाओ फिर वहां पे, यहाँ वीजे बंद है अभी। आगे 5-6 सालों में तो नहीं 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 आप मुझे बता दें जो वो 1970 से करते हुए आ रहे हैं वो पागल थोड़ी हैं। लेकिन आगे जो आप लोगों में से कोई? ठीक है। अच्छा देखो, 0 से स्टार्ट किया, 2 तक लाया। मैं बता रहा हूं, ये आप जहां तक इसको देते हो ना, उसमें से एक माइनस करके लाता है। ये इसका रूल है कि आपके आप एक माइनस करके लाके देता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिया 3, अब कहां तक लाएगा? सेव किया। ठीक, वो इस वजह, चलो इसको किसी और तरीके से समझते हैं। मैंने बोला 0 से शुरू करो और इतने ले आओ। 3 लिखा तो 3 ला रहा है। लेकर हाँ लिखा तो 3 ही तो ला रहा है। तो मैं एक दूसरी लॉजिक बता रहा हूं, इसका मेथड ये है, नहीं समझ गए? पहली बात तो ये, आप उसको जो इंडेक्स नंबर दोगे ना, उससे एक कम लेकर आएगा। ठीक है अब चलेगा जी, लेकिन एक और, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, यस क्या देखते हैं। बिल्कुल, है 1 और 3, क्या आना चाहिए आप बताओ। टाइगर दो आएंगे, कैट टू टाइगर आएंगे भाई, क्लियर? आपने बोला कि सपोज करो आपके पास जो है एक यूजर लिस्ट आ रही है, यूजर लिस्ट आ रही है एक आपके पास, आपको सिर्फ इतने यूजर उठाने हैं, तो कैसे उठाओगे? स्पेसिफिक यूजर तो उठाने उतने हैं। सही है, मेथड यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। अभी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, आप उसमें करोगे। हाँ नहीं करना चाहते। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो नहीं करना चाहते ना, उनको एक स्लाइस में बना के अलग रख लो। एक काम हो गया, एक काम हो गया, जितने तुम्हें चाहिए उनको एक स्लाइस में बना के अलग रख लो, और उनको आपस में मर्ज कर दो। जो पहले वाली आ रही है उसको छोड़ दो, ये काम भी तो हो सकता है। समझ आया? अरे एरे में 10 आइटम है, तो मैं 4, 5, 6 नहीं चाहिए, वही है ना, मुझे 4 तक काफी सही चाहिए। है, 4 तक चाहिए। 0 से 3 तक मंगवा ली, एक एक काम हुआ। हाँ ठीक है, 4, 5, 6 हटा के फिर तुमने बोला 7 से शुरू करो, लेंथ लास्ट तक ले आओ, जो भी तुम्हारे एरे की लेंथ है। दो दूसरी कॉपी हो गई, आपस में दोनों को मर्ज कर दो बस। क्या हाँ मैं 1 से लेके 4 तक चाहिए? वो भी सही है। सर ये कैसे करते हैं कि आपके 4 ऑप्शन है, वो 2 बंद है, खुल गए हैं, वो 2 जब कौन खुलेंगे तब सा ऑप्शन है भाई ये? आपको। हाँ पॉसिबल है, ये भी, ये फंक्शनैलिटी करी भी है मैंने, बन सकती है ये। इस पे नहीं बनेगी, बटन फंक्शनैलिटी पे बनेगी। 2 बटन डिसेबल, 2 बटन इनेबल, ये ना। हाँ हाँ वो, हाँ सही है, पॉसिबल है। ओके आगे बढ़े।
क्या नहीं समझ आ रहा भाई? देखो, स्लाइस मेथड होता है एरे की कॉपी बनाता है, ठीक है? पहला पैरामीटर कहाँ से शुरू करना है, मैंने इसको दे दिया वन, दूसरा पैरामीटर मैं अभी नहीं दे रहा। कैट छोड़ना हो गया सही है। कैट शुरू करेगा, से शुरू करेगा, सेव किया, ले आया। दूसरा पैरामीटर बोलता है कहाँ तक लाना है, मैंने बोला टू तक ले आओ, चलो थ्री तक ले आओ। थ्री थ्री पे क्या है, जीरो वन टू थ्री, माउस है, ठीक है? वो एक माइनस करके ले आता है। ये तो एक अलग ही कंडीशन है। तो आपको एफ एल से लाना होता है, मॉड्यूलस टू, जो इंडेक्स आपका टू से डिवाइड हो रहा है वो सारे निकाल लो, खत्म हो गई। सेव किया, यहाँ तक सही है क्लियर है सर। वो जो कर आप बोल ना वो तो आप भाई? इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें, बीच सही में से कैसे लाएंगे। और आप क्या कह रहे हैं? भाई बोल रहे थे ना भाई दूसरा वाला वो चौथा यही कह वाला रहे थे, बीच में कैसे लाएंगे। भाई बोल रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिमाग हाँ, अब जो इससे अगला है वो और दिमाग खराब करेगा। हाँ सही सही है, शुरू करते हैं। है। ओके अब मैंने बोला ये मेरे पास अरे, सही है, एक, ओके हाँ ओके कॉपी किया, कमेंट कर दिया, ठीक है? कहाँ से शुरू करें, कैट से शुरू करें, ठीक है? कितने डिलीट करने हैं? जितने आपकी मर्जी सारे एक कर डिलीट करना है, दो सर। शेयर स्क्रीन। चोरी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ उसको सुनो जरा। तो भाई सुन लो, बाद में तुम भूल जाते हो। हाँ, तुम देखो, मैंने बोला कैट से शुरू करो, कैट का इंडेक्स क्या है, वन। यार तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। अब का और यहां से मुझे एक डिलीट करना है कैट से, ठीक है? करेंगे कैट को ही करूंगा, कैट कैट वाली जगह से एक को डिलीट करना है तो कैट ही डिलीट होगा, सही है सर और वहां पर एक ऐड करना है, सही सही है है? ये कैसे करेंगे? सर। एनिमल्स एयर आर। इसके लिए आपके पास मेथड है स्प्लाइस, नॉट स्लाइस, स्लाइस अलग है। नो नहीं, ये इस मेथड का नाम है स्प्लाइस। के नो 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 देखो, एरे की वो स्लाइस मेथड क्या कहते हैं, कहां से कहां तक लाने, बस। और ये क्या कह रहे हैं, सुनो तो सही, ये क्या कह रहे हैं, इसकी बात सुन लो पहले। यार इधर देख लो तुम दोनों, मैंने इसको बोला कैट किस इंडेक्स पर है, कैट का इंडेक्स बताओ, वन। मैंने बोला यहां से शुरू करो, कितने उड़ाने हैं, एक, वन। मैंने बोला यहां पे जाके सेव करा दो, ये हो जाएगा इसके सही है? सेव लिए सर। ये तो करते हैं, एनिमल्स ए आर आर को चला के देख लेते हैं, नहीं हो सकता एक एक सर। अगर हम इतनी लंबी करने के बजाय सर, सर अगर एक हम इंडेक्स में जाके वो चेंज कर दें तो हमारे क्या बिगड़ेगा? अभी भी बिगड़ेगा वो बात एक नहीं बात होगा। बताएं, तो आपने इससे क्या था कि कुछ दोनों नहीं का हुआ। उठा दो जाए अभी जो मिसाइल से रिजर्व कर देते सर हैं आपने एक तो से मुझे रिमूव भी करेंगे दिया, एक मिनट, रिमूव क्लाइस, करेंगे नो 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 नो, वो लंबी होगी, आप जो कह रहे हैं वो लंबी होगी। नहीं, इससे लेकिन आपको मेथड तो सारे आने चाहिए ना। स्लाइस का मेथड देखो क्या कर रहे हैं सारे। मैंने बोला स्लाइस एक से शुरू करो, एक क्या है, पहला इंडेक्स एरे का क्या है, कैट, एक डिलीट करो, कैट को डिलीट करेगा, वहां पे इसको ऐड करेगा, वो तो आपने का बता दिया वो ठीक हट है? नहीं रहा लेकिन वहां चला के नहीं दिखाया, आई नहीं रहा आ ही नहीं रहा ना, तो कमिट करा हुआ था, चल कमिट करा हुआ था। सेव किया,
आ गया वहां पर। क्या नहीं हटा, कैट हट तो गया। हाँ अच्छा, अब सबर करो, रुको एक मिनट सबर करो, अबे डिलीट हो तो गया, कैट किधर है? एक मिनट, अब मुझे, मैंने बोला एक नहीं दो डिलीट करने हैं, अब कौन कौन सा डिलीट होगा? कैट और टाइगर जी, अब आएगा लॉयन, जेड, माउस और काओ। सेव किया, बिल्कुल सही है, क्लियर। स्प्लैश का मेथड क्या कर रहा है? क्लियर हुआ। पहला पैरामीटर क्या बोलता है, कहां से शुरू करना है? इंडेक्स नंबर। मैं नहीं यार, वो आपका बोल रहा था कहां से शुरू करना है, कहां तक लाना है, बस। ये तो आपको डिलीट भी करवा रहे हैं, नया ऐड भी करवा रहा है, देखो ना क्या कर रही है। मैंने क्या दिया? मैंने बोला वन से शुरू करो, वन पे क्या रखा हुआ है? कैट रखा हुआ है, और टू, टू डिलीट करो, कौन कौन से डिलीट होंगे? कैट और टाइगर, बोलो ना। कैट टाइगर, हाँ मैंने जब दो लिखे हैं तो दो होंगे। नहीं नहीं यार, स्लाइस थोड़ी है ये अलग है, ये फंक्शन अलग है, समझ आया? इससे पूछो, पक्की बात है, आपको समझ आया? पॉप का बताया। हाँ पॉप क्या करता है, डिलीट करता है कहाँ से? लास्ट से, लास्ट से, तो बता सकते हैं डायरेक्ट। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेथड तो सारे आने चाहिए ना। नहीं नहीं वो आपकी बात सही है, मैं समझ रहा हूँ कि मेथड आने के नॉलेज में हो, हाँ पर इसमें से जैसे आपने बताया फर्स्ट और लास्ट डिलीट कर सकते हैं, तो हम इंडेक्स के थ्रू इसको एक बना ले, यहाँ से डिलीट कर, वो ये भी क्या, ये भी तो वही काम कर रहा है, ये भी तो वही काम कर रहा है। चलो मैंने बोला एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सबर करो, मैंने जेड को हटा दिया, अब क्या होगा बताओ? अब आप एक मिनट, अब आप बताओ क्या होगा? पहले से शुरू करेगा, दो उड़ा देगा बस, और क्योंकि मैंने कुछ तीसरा दिया नहीं है, एडिट करने के लिए कुछ दिया नहीं, बस सेफ किया। अब अच्छा क्या आंसर आना चाहिए आप बताओ? सबर तो करो यार। हाँ सही है, थोड़े थोड़े ना 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 मिक्स नहीं होगा। स्लाइस का मेथड, एक मिनट, स्लाइस का मेथड कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक लाना है, बस। स्लाइस का मेथड सही है ना, ठीक है, लेकिन ये तो बात बिल्कुल अलग कर रहा है, कहाँ से शुरू करने है एक बात, कितने डिलीट करने हैं दूसरी बात, तीसरा कोई और ऐड करना है तीसरा बात। शिफ्ट वाला मेथड क्या करता है? शिफ्ट वाला मेथड आपके जो है स्टार्ट से एक डिलीट करता है, और अनशिफ्ट लगा देता है, अनशिफ्ट जो है। हाँ ये मेरे हाथ में थोड़ी, बोलो यार। नीचे नीचे दो तीन लाइनों में काम होगा, ये एक लाइन में नहीं हो। ये बोला है, एक मिनट, मैंने इसको कमेंट किया और इसको कैट हटाना है और माउस हटाना है। ये तुमने करना है क्योंकि ऐसा, ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, दो वेरिएबल यूज होंगे लेकिन वो फायदा नहीं करेंगे ना हमारा। आप ऐसा सोचो कि जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, एरे लिस्ट के लिए यूज होंगे, ठीक है, लिस्ट आपके कहाँ कहाँ काम आ सकती है? एक आपने यूजर की लिस्ट बनाई, ठीक है, यूजर लिस्ट आपकी बन गई, ठीक है, उसमें से आपको यूजर डिलीट करने हैं, उसमें से आपको यूजर ऐड करने होंगे, उसमें से आपको यूजर बीच में ऐड करने होंगे, इसलिए आपकी लिस्ट काम आएगी। मुझे बताओ, एक मिनट, चलो पहले वाला करते हैं, तुम्हें कैट हटाना है, ओके, मैंने बोला वन से शुरू करो, एक डिलीट करो और उसके लिए क्या लगाना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाना ना, अहमद लगा देते हैं। अब दूसरा कौन सा? एक मिनट सबर करो, पहले इसको देख लो, सेव किया,
एक चला चेंज गया। कर दिया से, एक चेंज कर दिया से, एक अब क्या करना है? इसी दाग में वापस नहीं करेंगे बिल्कुल तो एक लाइन में ही का नहीं, एक लाइन में नहीं करते। चलो उसी लाइन में ही रहता है। ठीक है, आप मुझे बताओ अब क्या होगा। वो जो उसका मुझे अभी नाम ये याद हुआ, इस वजह से लेके जा रहा तो अच्छा अब बताओ, एक उसका मिनट, आप आंसर तुमने बताना है और किसी ने नहीं बताना। आगे ये लो, अब मैंने लिख दिया 0, अब क्या आएगा? एक से शुरू करो, 0 डिलीट करो, ये 2 ऐड करो, क्या होगा? कहां जल्दी होगा तो ऐड ले पर? कैट कैट के आगे जो के आगे कैट, अहमद, जैद और भी आगे लिखा हुआ है बिल्कुल वो। लिखा हुआ है। सेव किया, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। जबरदस्त चीते कैट आदमी बन गए यार तुम तो। के आगे क्या मतलब है? आगे तो ये होता है, कैट से पहले ये होता है। गलती गलती नहीं निकाली, नहीं सही गलती कह रहा निकाली है, है, मैंने क्या भी बोल रहा था, कैट के पीछे ऐड हुआ है। क्योंकि अरे भाई मैंने तो मैं सही नहीं ये बोला बोले। था। ओ भाई, अच्छा वन वन लिखा हुआ है, वन। मैं नया अच्छा सवाल, नई नई बात लेकर आया हूँ। जो तुम कह रहे हो ना, वो तो अगली लाइन से हो जाएगा, समझे आप? चलो एक एक मिनट पॉइंट यार, के साथ सबर करो। जाना था। सबसे पहले तो मैं कैट रिमूव कराना था। ओके चलो ये करते हैं। अरे वो छोड़ो ना, बस क्या होता है इतने भाई मुस्लिम पीछे आप पीछे ऐड होंगे ना सारे हाँ, आगे जाए तो नहीं। अच्छा आगे से करने के लिए अनशिफ्ट है ना, अनशिफ्ट। सही है, बस ये एरेज है। ये सर हम समझ गए चार के सही है, प्रोग्राम दे रहा हूँ वो आपको बनाने। सर क्या कर रहे थे एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो आपको बनानी है, तो बना के आएंगे अभी प्रैक्टिस करो फिर। सर। ओके चलो, बुक में देखते हैं, इन्होंने कोई टास्क दिया होगा तो वो हम करते हैं। ठीक है, सेव किया। सर ये बुक आपने बनाई है नहीं, मैंने भाई? यहाँ पे वेस्ट तो बनाते ही क्या? वो टास्क बनाया था, वो जो टास्क आपको देता हूँ ना, वो मैंने बनाई थी। फैक्ट्री नहीं बनाई क्या? हाँ बनानी हाँ चलो चाहिए थी सर। सर तुम ठीक है, एक और टास्क करते हैं। लोग इग्नोर करते बुक में से मैंने टास्क देख लिया ना, उसी को देख के बना रहा हूँ। वार नॉट कार। हो दूर होता अब क्या आएगा कंसोल में? हाँ है रिफाइन नहीं किया क्या करना है अंडरलाइन आएगा सर अनडिफाइन आएगा, और बाकी सारे अनडिफाइन अंडरलाइन आएगा आएगा। और तुम क्या कह रहे हो? एम्टी एरे तो डिफाइन है, तो वो ठीक है देगा, बाकी ये नॉर्मली बिल्कुल देगा। मैं यही सोच रहा था यकीन करें तो बताना था ना, कुछ ना रहे जब बात कुछ नहीं दिया होगा ना, तो आपने एरे तो दिया हुआ है, वो बताएगा भाई एरे है, एम्प्टी है। इसकी लेंथ क्या आएगी मुझे नॉर्मल बताओ, मैं इसकी लेंथ मालूम कर रहा हूँ, क्या आएगी? रहते बिल्कुल 0। सही है, हैं नॉर्मल पेज पे आप जब तक एम्प्टी एरे नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखाओगे, दो कुछ भी नहीं दिखाओगे, नॉर्मल नहीं नजर आएंगे, नहीं आएंगे नजर यहाँ, तो ये तो कंसोल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे इसके अंदर अब आइटम्स ऐड करने हैं, कैसे करूंगा? 0 पे ऐड करना है अहमद, कैसे लिखेंगे बताओ? से अनशिफ्ट होगा सर शिफ्ट होगा ना और कुछ और शुरू ठीक तो शिफ्ट ही होगा ना ये क्या है। सर अच्छा बताओ, ARR 0 इज इक्वल टू, ये अप्लाई वर्क करेगा? हाँ करेगा करेगा हाँ करेगा नहीं करेगा सर नहीं करेगा सर नहीं करेगा सर 0 की वैल्यू तो रख लेता है ना मेरे पास क्योंकि हमारी एरर तो एम्प्टी है, ये तो बाद में साइन हो रहा है। सर बात करना चाहिए अब करेगा अब वन लिखी हुई अब है, करेगा अरे बताओ एरे में क्या आएगा? मैं लेंथ हटा रहा हूं, यहाँ क्या आएगा? तुम कह रहे हो अली आएगा, आप क्या कह रहे हो? दोनों आएंगे दोनों आएंगे, और बाकी दोनों आएंगे आएंगे। सेव
किया, क्योंकि मैंने बोला 0 पे ये रखो, 1 पे ये रखो। क्लियर हुआ? ओके अब देखते हैं, आ रहा सर, समझ आ रही समझ में आ रहा है? आज को सवाल ऐसे ही जाएगा। 3, अब मैंने 3 लिखा है, अब और क्या क्या आएगा तीनों आ जाएंगे सर, सब कुछ आएगा सर, बताओ, देख के बताओ क्या आएगा। खाली हो रही है नहीं नहीं, है ना सर, SAD। अब बताओ एम वाला नहीं है सर, एम दोबारा गौर से देखो, वाला 2 नहीं लिखा हुआ मैंने, हाँ, अब बताओ क्या आएगा। अब आएगा अहमद और अली, अहमद अली अनडिफाइंड असद, अहमद अली अनडिफाइन असद। आप क्या कह रहे हो, हाँ आप क्या कह रहे हो भाई, यही यही आएगा आएगा? अहमद अली अनडिफाइंड असद, सेफ, कॉपी पेस्टिंग वाला कैसे था, एमटी एम्प्टी। वही बात है ना एमटी कि कितना रेट क्या तो बड़ी, एमटी की रेट तो बड़ी है, तो पढ़ ले कितना आ रहा है एमटी, और यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ये देखे ना ये फिटिंग कर रहा है, चिटिंग नहीं कर रहा। जब आपने इस तरह लिखोगे ना, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, पहली बात तो इस तरह लिखोगे नहीं कभी, ठीक है? तो जब किसी जगह पे कुछ नहीं लिखा होगा तो वहां पे आपको एम्प्टी शो करेगा, लेकिन आप उसके इंडेक्सिंग देखोगे तो वहां कुछ नहीं रखा होगा। अब मैं इंडेक्स देखता हूँ 2 पे, अब बताओ यहाँ क्या आएगा। असल टू, अब क्या आएगा? टू 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 आएगा ना अनडिफाइंड। क्लियर अब क्लियर है? सही ना, नहीं क्यों नहीं क्लियर क्लियर? डिफाइन ही नहीं है तो अनडिफाइन ही आएगा। वो इस वजह से दिखा रहे क्योंकि आप एरे में पूछ रहे हो, एरे में जब तक डिफाइन नहीं होगा वो एम्प्टी दिखाएगा, बाद में अनडिफाइन दिखाएगा। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे और आएंगी। वो जो मिले, हाँ अभी अनडिफाइन तभी तो दे रहा है, अनडिफाइन नहीं दे रही है, ठीक दे है? चलो आगे देखते हैं। रहा आ दो मिनट गया सर, ड्राइवर अब क्या क्या आएगा? आपके बस में ये बॉम्ब ये तो है आएगा, ठीक है आएगा चल लास्ट में अहमद, एक चाहिए बॉम्ब बॉम्ब वो बोलता है बॉम्ब डर जाएगा सर, अहमद और अली आएगा अहमद और अली आएगा। भाई वाह वाह ऐसा क्यों, देखो बॉम्ब डिलीट कर देना आप, इंटरनेट लास्ट से लास्ट बॉम्ब में डिलीट लिखा कर आएगा, हाँ। ये तो आपका एडी लगाया तो बीच में फेसबुक लगा है कि बात क्यों नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैंने लास्ट में डिक्लेयर करा है ना, लास्ट में, पहले मैंने 0 पे बोला ये रख दो, यही जो वेरिएबल लेन के साथ एडी लगाया ना इसके बीच में ऊपर नहीं लगा ऊपर की बात कर रहे हो नीचे की? ऊपर लगा है बात एक दिन कौन बोल रहा है ये मेथड है उनका। 0 1 2 में हाँ हाँ मैंने बोला कि जो 0 इंडेक्स होगा ना, दोनों के बीच में हाँ एक तबर हाँ तो करो, तबर तो करो। मैंने बोला 0 पे अहमद रख दो, 1 पे क्या रख दो अली, तीसरे पे क्या रख दो असद, फिर मैंने एरे को पकड़ा और डॉट पॉप चला दिया। ये जो फर्स्ट टाइम आपने एडिट के साथ एमपी, एंगल बीच में इसको तो लगाया ना ओवरराइड कर रहा है ऑब्वियसली ना? यस यस, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं लगा इसे बिल्कुल सब कर रहा है भाई मैं उसके इंडेक्स पे वैल्यू सेट करा रहा हूँ। नहीं आएगा नहीं उसमें नहीं भी तो इज इक्वल टू बाद में आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर इट्स इक्वल टू ऑलवेज यहीं पर आएगा। मतलब हम अहमद इसको देते जीरो हैं इंडेक्स अली। में सेट हो गया हाँ अली वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। अपना यस मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, उस तरह भी होगा जिस तरह ये कह रहा है, इस तरह भी होगा। इस तरह होगा फिर इसका रिजल्ट वगैरह लेंगे आप कर लोगे क्या ठीक ओके यहाँ पे क्या है है, ठीक अच्छा भाई बताओ यहाँ क्या होगा। वही देख रहे हैं। यहाँ पर आया मैं, और देखो भाई आप लोगों ने जवाब देना है लास्ट वाली लाइन में, लास्ट वाली लाइन में जवाब देना है, सर
एयर आर डॉट स्लाइस, और ये कह रहा है हर कोई जो है ना दिल में जवाब सोच के बैठे, और बताओ क्या हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ, देखो स्लाइस का मेथड क्या करता है। पहला पैरामीटर क्या करता है, पैरामीटर मतलब जो भी आप पास करा रहे हो कहाँ से शुरू करना है, जहाँ जो आप बताओगे वहीं से शुरू करेगा ना। मैंने तो क्या बताया, टू जहाँ बोलोगे वहीं से शुरू करेगा। भाई खुद सोच के रखो ना, आपने सिर्फ आउटपुट पूरा बताने, पहले सोच लो। टू से शुरू करो, जीरो डिलीट करो, और उसके बाद मतलब एक भी डिलीट नहीं करो। तो इस वजह से टू से शुरू करो ना, शुरू के बाद जीरो वन नहीं चाहिए, तो इस वजह से टू से शुरू करो। जीरो मतलब कुछ भी डिलीट नहीं करो। यस क्लियर, समझ आए? हाँ ये क्या हुआ, वो पूप लगा है। हाँ पूरा देखो ना, उसको अगले को समझ आ गया, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं सवाल देख रहा हूँ, सवाल ये वाला टॉपिक नया है, नहीं ये मुश्किल है। अच्छा आते हैं सवाल पे जो आपने करके लाने हैं, ये आपने करने हैं मंडे तक। अगर मैं आ गया तो आ गया, संडे को ओके इधर देख लो सारे, ये आ गई आपकी एक्सरसाइज ar.pdf। वैसे ही होंगे, सही है। पहले देख लेते हैं सवाल कितने हैं। बड़े कैसे आए, बड़े कैसे रहे, चेक करो। 20 21 21 सवाल है, और ये खुद ही कर रही है, मैं करवाऊंगा नहीं। सर आप हमेशा मुश्किल शुरू के पास करने हैं ना। नहीं नहीं 21 पूरे करके जाने। ओ भाई इसको बताओ, इधर देख लो, 21 क्वेश्चन है करके लानेंगे। ठीक है आओ देखते हैं सवाल क्या है। स्क्रीन सही है भाई, ओके। अभी भी धुंधली हो रही है। डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे, क्या नहीं नजर आ रहा, आज तक दिक्कत सही हो जाती है। आप सही है। डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे यूजिंग जीएस लिटरल नोटेशन टू स्टोर स्टूडेंट नेम इन फ्यूचर, इसका क्या मतलब है? तो वो तो आप बताएंगे, करेंगे भाई, इंग्लिश तो पढ़ी है ना। एक एम्प्टी एरे बनानी है, उसको कंसोल करा देना बस। इंग्लिश को समझना भी आपके काम का हिस्सा है, बाद में करेंगे ना, अभी तो नहीं कर रहे। एक एम्प्टी बना के रेंडर करा दो, कंसोल करा लो। क्लियर, ओके। दूसरा
सेम सवाल है पहला वाला। हाँ चलो पहले वाले में कंसोल में दो ब्रैकेट आएंगे, कर दो ब्रेक होगा ना। हाँ सेम वाला की करी लेकिन करके लाने लाजमी। ओके, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज आर स्ट्रिंग एरे, इसका क्या मतलब है? स्ट्रिंग एरे का स्ट्रिंग टाइप कौन सी करके ले वो एरे, बस ठीक है। डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज आर नंबर एरे, इसमें दो ही आंसर और बूलियन एरे ट्रू फॉल्स, बस बस मिक्स डेटा। नीचे जो मिक्स डेटा है ये मिक्स डेटा है, सही है। सातवा पढ़ो जरा क्या है। अच्छा सवाल है, समझ आया क्या? बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 7 का कौन एक्सप्लेन करेगा? करो ना, पढ़ो तो सही। उसमें जो भी पांच स्टार के मोबाइल नेटवर्क वो डालेंगे तेरे नीचे डिपेंड जोंग जैस बारे, करेंगे। बस हां इतने आसान आसान से सवाल बनाए तुम्हारी खातिर यार। ना ओके, आठवां क्या है पढ़ो। ये इस तरह प्रिंट करानी है कंसोल में, कंसोल में हो जाएगी। जीरो बस हो गया ना, सही। वाह नाइन पढ़ो। खाली मूवीज के नेम है, और ये 1 2 3 4 हार्ड कोडेड नहीं है। ये लगा रहे बट हाँ है ये आपने नहीं कहा चलो जीरो है ना, तो उसके जीरो लगा देना बस। क्या चिकन फिकर नहीं सर ये कंफ्यूज कर दिया आपने। चलो ठीक है, 1 2 3 4 लिखना, इसके लिए मैं बताऊंगा क्या करेंगे। मैंने बोला था ये 1 2 3 4 फॉर्मूले चलाना, लेकिन वो अभी करवाया हुआ नहीं है, वो करवाएंगे। लेकिन ये प्रिंट हो जाएगा ठीक है। ओके, और आखिर में ये भी लाना है, लेंथ ऑफ द एरे 4 आ रहा है, ये तो आ रहा था अभी भी। अभी भी आ रहा था, खुद ही लाके देगा ठीक अरे है। कितना पूरा टॉप होगी तो यस यस, चलेगी एरे में लिखेंगे ना भाई। मतलब हार्ड कोटेड है, हार्ड कोटेड है, हार्ड वर्क किया हुआ है मतलब एक वेरिएबल में ये बना के लिख दिया कंसोल में। नहीं, ये सारा कंसोल में करना है, सारा कंसोल में करना है, बस उसको उसको छोड़ो, वो तुम्हारा काम थोड़ी है ठीक है। अच्छा चलो एक छोटा सा सवाल है वो कर लेते हैं, एक फॉर्मूला है वो पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, ये मैं बुक रख देता हूँ, सही है। और दसवा, ये यार दसवें में वो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, दसवें में वो फॉर्मूला लिखा हुआ है जो करवाया नहीं है। तो अभी दो तक कर लेते हैं। चलो 9 तक करके ले आना, लेकिन ठीक करने बाद में फिर भी खुद ही है, सही करेंगे है। चलो ये वो के बाद तो जा रहे हैं देखो।